Hi, I'm Meenakshi Khanna. Welcome to my kitchen. अब हम बनाने जा रहे हैं ट्राइफल पुडिंग. ये बहुत अच्छी पुडिंग है एंड इट्स वेरी गुड. ये देखिए, ये स्पॉन्ज केक है जिससे हम पुडिंग को बनाएंगे. ये केक मार्केट में इजीली अवेलेबल है, नहीं तो आप घर पे भी एगलेस या एग वाला कोई भी केक ले सकते हैं जो आपको पसंद है. इवन आप चॉकलेट केक भी ले सकते हैं. अब इसके हम छोटे छोटे पीसेस करेंगे. छोटे छोटे पीसेस काट के हम इस बाउल में अरेंज करेंगे प्रॉपरली, जिससे हमारा बेस पूरा कवर हो जाएगा. बेस को हमने पूरा कवर करना है, कुछ भी बिल्कुल गैप नहीं होना चाहिए बीच में. ये देखिए कितना अच्छा पीस कट गया है. ये पीस को हम काट के पूरे हम बेस में इसको सेट कर देंगे. ये देखिए, इसको हमने पूरे अपनी बेस को कवर कर देना है. ये हमारा बेस पूरा जो है हमारे सर्विंग डिश का कवर हो गया पूरा केक से. ये हमारा जूस है, आप कोई भी जूस ले सकते हैं. ये मैंने टिन फ्रूट्स लिए थे उसका जूस है ये. इसको अब हम केक के ऊपर स्प्रिंकल करेंगे. धीरे धीरे पूरा केक हम इस जूस से कवर कर देंगे. वो हम इसलिए कवर करते हैं कि जिससे हमारा थोड़ा सा केक मॉइस्ट हो जाए और ये ना हो कि हम क्रीम डालें तो हमारा केक क्रीम को सोक कर ले. ये देखिए, अब हमारा ये हमने पूरा बेस जो है जूस के साथ हमने इसको कवर कर दिया है और ये प्रॉपर हमारा केक जो है मॉइस्ट हो गया है और सॉफ्ट हो गया है. अब हम ये क्रीम है जो मार्केट में मिलती है डेरी मिल्क से, और उसमें हमने आइसिंग शुगर डालकर इसको अच्छे से विप कर लिया है. ये हमारी विपिंग क्रीम बन गई है. अब इसको हम धीरे धीरे केक के ऊपर स्प्रेड करेंगे. थोड़ी सी क्रीम से अपने केक को कवर कर लिया है. ये मैंने टिन फ्रूट्स लिए हैं. आप चाहें तो रूटीन के जो फ्रूट्स आपके किचन में हैं आप वो भी ले सकते हैं, जैसे ग्रेप्स हो गए, ऑरेंजेस हो गए, एप्पल्स हो गए, पाइनएप्पल हो गया. आप वो भी लेके ब्रिक ब्रिक काट के इस तरीके से अपने हम इसके ऊपर पोर कर देंगे सारा. अब जो हमारी रेस्ट ऑफ द क्रीम है जो हमने विप करके रखी हुई थी, अब हम इसके ऊपर इसको प्रॉपरली पोर करके अपनी पुडिंग को पूरी कवर कर लेंगे, जिससे हमारे फ्रूट्स जो हैं अंदर छुप जाए. अब हम इसको ये ऑरेंज फ्रेश ऑरेंजेस हैं जिनके ऊपर मैंने ये थोड़ी सी चेरीज को लगाकर इसको ऐसे हमने डेकोरेशन के लिए बनाया हुआ है. इसको हम इसके ऊपर पुडिंग के ऊपर सेट कर देंगे, जिससे हमारी पुडिंग और सुंदर लगेगी. ये हमारी पुडिंग देखिए कितनी अच्छी सेट हो गई है, फ्रेश पुडिंग. अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए. इट्स वेरी यम्मी, बहुत टेस्टी है. ऐसा कभी केक खाया नहीं मैंने. आई लव दिस पुडिंग.